हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टी चैनल वी आर कंटिन्यूइंग पास्ट कंटिन्यूंगूअस टेंस इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस वी आर टेकिंग द इंटरागेटिव सेंटेंसेस इंटरागेटिव सेंटेंसेस वाज वेर को आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाना चाहिए अभी बिफोर दैट वन यू आर टेकिंग प्रजेंटेंस वी वन पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री स्वीयर शपथ घेने प्रमाणम स्वीकार राइड घोड़स्वार करने स्वारी घोड़ा चलाना रोड राइडन लीड सामने जाना मुंगट लेड, लेड शाइन चमकना, मेरव चमकने शोन, शोन, स्लाइड, घसरने, जारडम घसरना तो स्लाइडन ऐसा भी बोल सकते इंटरगेटिव सेंटेंग दिफोर द नाउन्स दैट इज ऑन द फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्रल बिफोर दैट इफ यू ब्रिंग द वज एंड वेयर

No, judge was not swearing at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. You say like this. We are saying in the past continuous tense. We are taking sentences here, past continuous tense, and make the sentences on where. Where judges swearing in front of Chief Justice? Yes. जजेस वेर स्वेरिंग इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस नहीं है तो नो जजेस वेर नॉट स्वेरिंग इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो वाज राइडर घोड़सवार करने वाला वाज राइडर राइडिंग हॉर्स इन रेस नो राइडर वॉज नॉट राइडिंग इन रेस He was riding in the ground like this. Were riders riding on the road? Were riders riding on the road? No. Riders were not riding on road. They were riding in race like this. Now, ज धोनी लीडिंग इंडियन टीम नो धोनी वॉज नॉट लीडिंग इंडियन टीम विराट कोहली वॉज लीडिंग इंडियन टीम वाज धोनी लीडिंग इंडियन टीम बोलते यहां पर क्वेश्चन है हियर इट इज ए क्वेश्चन धोनी इंडियन टीम को लीडिंग कर रहा था क्या नहीं धोनी इंडिया के टीम को लीडिंग नहीं कर रहा था कौन कर रहा था अपील हु विराट कोहली वाज लीडिंग इंडियन टीम विराट कोहली इंडियन की टीम लीडिंग कर रहा था पर वन मोर देन वन वेर ऑस्ट्रोनॉट्स वेर ऑस्ट्रोनॉट्स लीडिंग वर्ल्ड क्वेश्चन मार्क yes astronauts were leading world nahi hai no nahi astronauts were not leading world in the space like this you can make the sentences friends what i am going to tell here how to use the was and where.

As far as past continuous tense is concerned. Now, next take what is called was. Was moon shining in the daytime? Was moon shining in the daytime? No, moon was not shining in the daytime. It was shining in the night. పర్ మూన్ బోల్తో కేపర్ ఇక్కడ మూన్ మంచి బేజాన్ చీజ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ షైనింగ్ ఇన్ ద నైట్ ఈ బోల్తో కోని హ్యాపర్ ఇయర్ దెర్ ఇస్ ఎ మూన్ మనం మూన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈట్ అంటే అంటే ఏ వస్తువుకైతే ఏదైతే మనం వస్తువు కోసము లేట్వి పశు పక్షుల గురించి ఒక్కటే ఉంటే మాట్లాడతామో అప్పుడు ఇట్ శబ్దము ఉపయోగించాలి జమాపన్ పశు పక్షి కిం ఎనిమల్స్ కిం

ज्यादा पानी की वजह से हिल्स स्लाइड हो रहे हैं क्या यस हिल्स वेर स्लाइडिंग बिकॉज ऑफ हेवी रेन हा ज्यादा पानी के वजह से क्या बड़े बड़े हिमालय भी घसर रहे हैं यहां पर माउंटेन्स हिल्स मीन्स यू कैन से माउंटेन्स आल्सो ज हिमालया पर एक ही हिमालय है आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन हिमालय वाज हिमालय स्लाइडिंग ऑन द पिलग्रिम्स नो हिमालय नॉट स्लाइडिंग ऑन द पिलिग्रिम्स यहां पर पिलीग्रिम्स मीन्स पिलग्रिम्स यात्री यात्रियों को पिलग्रिम्स बोलते यात्री यस हिमालय आवाज स्लाइडिंग ऑन द पिलग्रिम्स परसों हुआ था देखो हिमालय में सम हिमालय वर स्लाइडिंग नाउ फ्रेंड्स हियर आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर हाउ टू यूज द वाज़ हाउ टू यूज द वाज़ इज़ यूज़ फॉर द सिंगुलर वाज माय अंकल गोइंग टू दिल्ली वाज आवर अंकल कमिंग टू हैदराबाद वाज योर अंकल ड्रिंकिंग वाटर वाज हिज सिस्टर प्लेइंग क्रिकेट वाज हर मदर कुकिंग राइस वाज देर अंकल राइटिंग लेटर लाइक दिस इफ ओनली वन दट इज दर्ड पर्सन सिंगुलर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दर्ड पर्सन सिंगुलर देन वाज इज यूज ये ऊपर वेर माई अंकल्स गोइंग टू हैदराबाद वेअर अवर अंकल्स Singing songs in front of people, were your uncles playing cricket on the occasion of marriage day? Were his uncles writing letters like teachers? Were her uncles singing songs? Were their uncles sliding on the bench? Were their uncles sitting in front of people behind people? You say like this. Use the phrases also. Where your uncles helping poor people with the help of uh, uh, friends like this. Here, where is used by the plural, plural ke liye. was is used for the singular. I am repeating again and again. English is this much only. If you know that one, you can understand each and everything. Thanks. So, friends, we have completed today's class. Now, Subscribe my channel, share with your friends, and like it so that I can get encouragement. Thanks, friends.